और निजी विद्यालयों में बीपीएल कार्ड धारियों के बच्चों का दाखिला लेने में स्कूल प्रबंधन कोताही बरत रहा है। राज्य के गुरु नानक स्कूल में जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ निजी विद्यालय के प्रिंसिपल और प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। रिपोर्ट देखिए। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी विद्यालयों में 25% बीपीएल बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है, लेकिन 1360 सीट में सिर्फ 350 गरीब बच्चों का दाखिला अब तक हो पाया है। राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत बच्चों का दाखिला क्यों नहीं हो पाया है, रिजेक्ट करने के क्या कारण है, इन चीजों की जानकारी इस बैठक में ली गई है। बैठक दो पर्पज से मुख्य रूप से बुलाया गया है। पहला कि उनके जो निजी विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त, उसमें 25% BPL बच्चों के नामांकन का है, तो विद्यालयवार समीक्षा की जा रही थी कि उनके विद्यालय में कितने इंट्री क्लास में सीट हैं और 25% कितने सीट हुए और उसके विभाग में कितने बच्चों का नामांकन उन्होंने किया है। रांची जिला अधीक्षक के साथ बैठक में लगभग 80 स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हुए थे। सभी ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को बताया। इसमें रांची जिले के मिशन स्कूल डीवी स्कूल ने राइट एजुकेशन के नियमों का पालन किया है। इसमें BPL के बारे में पूछा गया था कि अब तक आपके स्कूल में कितना एडमिशन हो चुका है, और अब तक मेरे स्कूल में केवल 4 फॉर्म का हार्ड कॉपी आया है और मैंने 4 को एडमिशन ले चुका है। राइट एजुकेशन के तहत सभी निजी विद्यालयों को BPL कार्डधारी बच्चों का आवेदन के बाद दाखिला लेना अनिवार्य है, बावजूद सरकारी नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं निजी स्कूल। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह ने कहा कि यदि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के दाखिला नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी। अगर जेन्युइन कारण है कि कैंडिडेट ने जो भरा है और वो फुलफिल करता है, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो कार्रवाई का मैटर बनता है। गौरतलब है कि निजी विद्यालयों में हमेशा से ही सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने में आगे रहे हैं। कई तरह के कारण बता दिए जाते हैं और गरीब बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।